यह अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिस प्रकार से भाजपा सरकार केंद्र और प्रदेश में शासन में आई थी, अपने वादों के अनुरूप वो खरी नहीं उतरी है और जन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत नहीं कर सकी है, सभी मोर्चे पर विफल रही है। तो इसलिए अब इस प्रकार के बिंद ढूंढे जा रहे हैं जिससे लोगों का ध्यान भटकाया जाए। कभी मुगलसराय का नाम बदलेंगे, कभी इलाहाबाद का नाम बदलेंगे, कभी स्टेडियम का नाम बदलेंगे, ये सब उनके एक रणनीति का हिस्सा है और इसी रणनीति का एक हिस्सा मंदिर का निर्माण भी है। ये बराबर मंदिर निर्माण की बात करेंगे, लेकिन तब तक चार वर्ष तक भूले रहे, जब अंतिम समय आया तो मंदिर का राग अलाप रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जनता का ध्यान भटकाने के लिए, पुनः सत्ता में आने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को दुर्बल बनाने के लिए और देश के लोकतंत्र पर प्रहार करके देश को अस्थिर करने की उनकी एक योजना है जो उचित नहीं है, और मैं समझता हूँ आने वाले चुनाव में जनता इसका उचित उत्तर देगी।